सूबे में ही नहीं पूरे देश में बस्ते के बोझ तले दबते जा रहे बच्चों व उनके अभिभावकों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि आज मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा पूरे देश के सभी सरकारी व प्राइवेट स्कूलों को निर्देश जारी कर न केवल स्कूल के बस्ते का बोझ निर्धारित किया गया है, बल्कि कक्षा के हिसाब से किताबें भी निर्धारित की है। वहीं पहली व दूसरी कक्षा के बच्चों को होमवर्क न देने का भी फैसला इसमें शामिल है। अमृतसर से अमन शर्मा की रिपोर्ट। ये जो बच्चों की किताबों को लेके हमने माननीय हाईकोर्ट में एक याचिका डली हुई थी, जिसमें हमने शामिल होकर हाईकोर्ट में कहा था कि बच्चों का जो बचपन है वो बस्ते के बोझ के तले दबा हुआ है, और जितना बच्चे का शारीरिक वजन नहीं होता उतने किताबों का वजन होता है, इसलिए इसको वजन को कम करवाया जाए। इस पर भारत सरकार ने एक आदेश जारी करके ये आदेश दिए हैं सभी निजी संस्थाओं को और निजी स्कूलों को कि वजन बस्ते का वजन कम किया जाए, और उसमें ये निर्धारित वजन निर्धारित भी किया गया है सरकार के द्वारा। पहली से कक्षा से दूसरी कक्षा तक 1.5 किलो वजन और तीसरी से पाँचवीं तक 2 से 3 किलो वजन के बीच किताबें होनी चाहिए, और छठी से आठवीं तक 4 किलो वजन, और आठवीं से 9वीं तक 4.5 किलो वजन, बाकी 10वीं से 12वीं तक 5 किलो वजन से ज़्यादा बस्ते में किताबें नहीं होनी चाहिए। और भारत सरकार ने ये भी कहा है कि छोटे बच्चों को जो पहली और दूसरी क्लास के बच्चे उनको ना ही तो होमवर्क दिया जाएगा, और उनको सिर्फ पहली और दूसरी क्लास में 2 किताबें लगेंगी, एक तो मैथमेटिक्स और दूसरी जो भाषा की किताबें हैं जो स्थानीय भाषा की किताबें लगेंगी, और तीसरी से और पाँचवीं तक एक मैथमेटिक्स EVS एंड गणित की किताबें लगाई जाएंगी, बाकी जो 9वीं से 12वीं तक है उनमें सभी में NCERT किताबें लागू की जाएंगी। इसके द्वारा कोई भी प्राइवेट पब्लिशर की किताबें लागू नहीं होंगी। ये भारत सरकार के MHRD मंत्रालय ने आदेश जारी करके सभी स्टेटों व सभी केंद्र शासित राजधानियों को आदेश जारी किए हैं। इसकी मॉनिटरिंग के लिए जिले के जो शिक्षा अधिकारी हैं और जो स्टेट में जो निदेशक शिक्षा विभाग के निदेशक वो चीफ सेक्रेटरी होते हैं, उनको आदेश जारी किए हैं और वो इसको लागू करवाए उनके द्वारा इनको लागू करवाया जाएगा।